नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत आपके साथ, मैं हूं रिया तोमर। आज जैसे ही देश की तीन विभूतियों को भारत रत्न मिलने की घोषणा हुई, देश के कई लोगों में खुशी देखने को मिली। ऐसे भाजपा नेता सुनील भराला ने भी इस पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि एमएस स्वामीनाथन, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला है। मोदी सरकार ने यह फैसला लेकर लोगों का गौरव बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने पूर्व पीएम नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न मरणोपरांत देने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने खुद एक्स पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी। वहीं दिल्ली के संसद भवन से इसी मुद्दे पर भाजपा के वरिष्ठ नेता पंडित सुनील भराला ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि आज भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के मसीहा और किसानों के लिए जिन्होंने काम किया था, इस देश के लिए ऐसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सुशोभित करके और साथ में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी को और साथ में जो बड़े वैज्ञानिक के रूप में एम एस स्वामीनाथन जी को, इन तीन विभूतियों को भारत रत्न से सुशोभित करके भारत के प्रधानमंत्री ने इस देश के किसानों का भी मान बढ़ाया है। भारत के प्रधानमंत्री ने वो काम किया है जहां इस देश के जो विपक्षी पार्टी को उनको आरोपित करती थी, वह उनको एक तरफ सोचते हैं। आज उन्होंने देश में एक नई बात दे करके कीर्तिमान स्थापित किया है और भारत में उन तीनों महान विभूतियों को जो है भारत रत्न देकर के देश के किसानों का ही नहीं, इस देश के 140 करोड़ लोगों का गौरव बढ़ाया है। मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पंडित सुनील भराला जी। आज देश की संसद में तीन महान विभूतियों को भारत रत्न भारत सरकार द्वारा दिया गया है, इस पे आपके क्या विचार है? देखिए, आज भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज किसानों के जो मसीहा थे और किसानों के लिए जिन्होंने काम किया था इस देश के, ऐसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सुशोभित करके और साथ में पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरसिम्हा राव जी को और साथ में जो बड़े वैज्ञानिक के रूप में स्वामीनाथन जी को, इन तीन विभूतियों को भारत रत्न से सुशोभित करके भारत के प्रधानमंत्री जी ने इस देश के किसानों का भी मान करा और किसानों का कद ऊंचा करा है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने वो कार्य किया है जो इस देश के जो विपक्षीय पार्टी उनको आरोपित करती थी, वो उनको एक तरफा सोचते हैं। आज उन्होंने देश में एक नई बात देकर के कीर्तिमान स्थापित किया है और भारत में उन तीनों महान विभूतियों को जो है भारत रत्न देकर के देश के किसानों का ही नहीं, इस देश के 140 करोड़ लोगों का गौरव बढ़ाया है। मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए एन भारत के साथ।